गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज ही हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेसन 5 है हॉलीडे फन, छुट्टी के दिन का मज़ा। वी आर ऑन अ हॉलीडे एंड वी वांट सम फन। मतलब इसमें जो है ये बच्चा कह रहा है कि हम सब जो है छुट्टी मना रहे हैं और हमें जो है कुछ फन करना है। लेट्स गो टू द बीच, चलो चलते हैं बीच पर। एंड प्ले इन द सन, और हम धूप में खेलेंगे। डोंट रन ऑन द बीच, बीच पर नहीं भागते। वॉक वॉक वॉक, मतलब इसमें जो है बच्चा कह रहा है कि बीच पर नहीं भागते, हमें जो है बीच पर चलना चाहिए। डोंट शॉट एट योर फ्रेंड्स, टॉक टॉक टॉक, कभी भी जो है अपने दोस्तों से चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए बीच पे। आपको जो है हमेशा आराम से बात करना चाहिए, मतलब टॉक 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 मतलब बातें, शाउट मतलब चिल्लाना। डोंट सिट इन द सन फॉर टू लॉन्ग एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर हैट ऑन। इसमें जो बच्चा कह रहा है कि ज़्यादा देर सन में नहीं बैठना चाहिए और आपको अपनी हैट नहीं भूलनी चाहिए जब आप बीच पे जा रहे हो। ये हमारा पोएम यही कंप्लीट होता है। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। टिक द राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, जो सही है उस पे सही का, गलत है गलत का निशान लगाना है। द चिल्ड्रन आर ऑन अ हॉलीडे, क्या बच्चे जो हैं हॉलीडे पे हैं, हाँ तो सही। द चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क, क्या बच्चे जो चाहते हैं कि पार्क में खेलना, गलत। वो कहाँ चाहते हैं, बीच पर। दे आर टोल्ड टू रन ऑन द बीच, क्या वो बीच पर भागने के लिए बोल रहे हैं, नहीं गलत। दे आर टोल्ड टू टॉक विद देयर फ्रेंड्स, क्या वो अपने फ्रेंड से आराम से बात करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ सही। राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम डैट राइम विद द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इन सब के राइम्स लिखने, मतलब मिलते जुलते शब्द, जैसे फन का सन, वॉक का टॉक। नाउ ट्राई टू गिव वर्ड दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, अब इसके आपको राइमिंग वर्ड्स खुद लिखने हैं। दे का प्ले, रन का फन, बीच का टीच, सिट का लिट। नेक्स्ट, राइट एनी थ्री थिंग्स विच यू शुड डू एंड एनी थ्री थिंग्स विच यू शुड डू नॉट ऑन द बीच, आपको जो है तीन चीज़ें लिखनी है, तीन बातें लिखने जो आप बीच पर करते हो और जो आप बीच पर नहीं करते। थिंग्स यू शुड डू, आप जो चीज़ बीच पर करते हो, वी शुड वॉक ऑन द बीच, हम बीच पर चलते हैं। वी शुड टॉक विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं। वी शुड प्ले, हम खेलते हैं। थिंग्स यू शुड डू नॉट डू, जो चीज़ें आप नहीं करते। वी शुड नॉट रन ऑन द बीच, हम बीच पर नहीं भागते। वी शुड नॉट सिट इन द सन, हम धूप में नहीं बैठते बीच पर। वी शुड नॉट शाउट एट योर फ्रेंड्स, एट आवर फ्रेंड्स, हम जो अपने दोस्तों पे चिल्लाते नहीं हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, राइट एनी फोर वर्ब्स फ्रॉम द पोएम, आपको जो है फोर वर्ब्स लिखने हैं, दो यहाँ मैंने लिखे हैं। वॉक टॉक, आप दो खुद लिखोगे। नेचर गिव्स अस, नेचर हैज़ मैनी फॉर्म्स, राइट द फॉलोइंग फॉर्म्स। नेचर, ये जो प्राकृतिक है, हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, उनके नाम लिखने। जैसे ये बर्ड है, पीछे क्या है, क्लाउड्स है, तो ये क्लाउडी है। कैसा है ये, कैसे फॉर्म है ये, क्लाउडी। ये स्टेरी, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे रेनबो है, तो ये रेनबो। ये सनी डे है, तो इसका सनी। ये हमारी बुक एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। आज डेट हमारी 9 अगस्त 2021 है, डे हमारा मंडे। ये होमवर्कशीट 40 है हमारी, सब्जेक्ट इंग्लिश। मैंने जो आपको 5th चैप्टर हॉलीडे फन करवाया, मतलब पोएम करवाई है, उसी से रिलेटेड ये हमारी वर्कशीट है। वर्ड मीनिंग हॉलीडे, छुट्टी का दिन, क्या है इसका मतलब, छुट्टी का दिन। वॉन्ट, चाहना या मांगना। फन, मज़ा, क्या है ये, मज़ा। सन, सूरज। वॉक, चलना। टॉक, बात करना। लॉन्ग, लंबा। फॉरगेट, भूलना या भूला। रन, भागना। प्ले, खेलना। ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेसेस, आपको पोएम जो आपने पढ़ी, यहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं, उन पोएम में से ढूंढ को आपको इन सेंटेंसेस को, फ्रेसेस को कंप्लीट करने से। We are on a holiday and we want some fun. Let's go to the beach and play in the sun. Don't run on the beach. Walk, walk, walk. Next page पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ए और एन. आपको जो है ए और एन का यूज़ मैंने सिखाया था, उससे आपको सेंटेंस कंप्लीट करने से. दिस इज़ अ बॉल, तो यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ए. आई सो एन ओल्ड मैन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉवल है, क्या है, वॉवल है. ये बाकी सब तो आप कर लोगे, यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लगेगा, ए एन. क्यों लगेगा ए एन, क्यों लगेगा हमारा, क्योंकि ऑनेस्ट है ये, एच है, मैं मानती हूँ एच है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा ऑनेस्ट आता है, तो इसलिए ओ वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ए एन लगेगा. नेक्स्ट है सर्कल द राइमिंग वर्ड्स. आपको राइमिंग वर्ड्स सर्कल करने, जैसे बैट का कैट, कैन, हॉट, बन, तो इसमें बैट और कैट जो है राइमिंग वर्ड्स होंगे, तो इसको आपको सर्कल करना है. जैसे यहाँ पे बट है, बट का पेन, हॉट, पिन, पट, तो यहाँ पे बट का पट पुट होगा. पिग, पॉट, रैट, गिग, बन, तो यहाँ पे पिग और गिग जो है सेम होगा, तो इसको सर्कल करना है. ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है. आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.